हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर नीता. वेलकम इन आवर फ्री एजुकेशन चैनल इंग्लिश मास्टर. डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो, वी स्टार्टेड साइंस टेक्स्ट बुक सीरीज. सो ऑलरेडी आई हैव अपलोडेड द फर्स्ट लेसन, दैट इज व्हाट द नेम ऑफ दैट लेसन इज, आई थिंक नेचुरल रिसोर्सेज, एयर, वाटर एंड लैंड, राइट? एंड दिस इज द लेसन नंबर टू, द लिविंग वर्ल्ड. ओके, दिस इज द क्लासिक साइंस टेक्स्ट बुक. Unit number 2, we are going to learn this with me, Professor Nita Phuchand Gaikwad, for the whole lesson with full explanation in Hindi. मैं आपको हर एक सेंटेंस का, हर एक वर्ड का हिंदी में मीनिंग बताऊंगी, जिससे कि आपको समझ में आने के लिए आसानी हो जाएगी. Do like, share, subscribe our channel and keep supporting. Thanks a lot for your love and support to our English Master channel. Let's go ahead and look at here. ओके, द फर्स्ट वन इज, यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कैन यू रिकॉल. ठीक है, कैन यू रिकॉल का मतलब होता है कि याद किया जाए. ओके, सो आपको पहली कक्षा में जो पढ़ाया गया है उसका आपको थोड़ा यहाँ पर याद करना है कि कैन यू रिकॉल, थोड़ा याद करो. लिस्ट द थिंग्स सीन इन द पिक्चर, से वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स. अभी ये जो पिक्चर यहाँ पर आपको दिया गया है, वेरियस थिंग्स इन आर एनवायरमेंट, कि हमारे वातावरण में जितने भी कुछ चीजें हैं वो यहाँ पे दी गई है. ओके, ट्रीज, हाउस, बर्ड्स, क्लाउड्स, डॉग्स, देन हेंस, चीक्स, बॉल, काइट. हियर इज वन लिटिल गर्ल हु इज सिटिंग विथ हर बुक, वो बुक पढ़ रही है. हियर इज वन बॉय हु इज हैविंग अ काइट इन हिज हैंड, जिसके हाथ में एक पतंग है. एंड दीज आर द इंटरनल थिंग्स ऑफ द हाउस, ये घर के सामान है थोड़े बहुत. सो ये सारी चीजें यहाँ पे दी गई है. ओके, सो इससे इस लेसन का क्या मतलब है, सो चेक कर लेते हैं. करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि सजीवों के लक्षण. सजीव यानी कि जो सांस लेते हैं, वो हर एक जीव क्या होता है, सजीव होता है. There are many kinds of plants and animals around us. हमारे आसपास अनेक प्रकार के animals यानी प्राणी और plants यानी वनस्पतियां पाई जाती हैं. They show some similarities and some differences. इनमें कुछ बातों में समानता, similarities यानी समानता होती है, और कुछ बातों में differences यानी कुछ बातों में उनमें अंतर दिखाई देता है. At, फिर भी, with the help of certain features, लेकिन कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर, We can tell that they are all living things. हम यह मानते हैं कि ये सभी सजीव हैं. These features are not seen in non-living things. और यह जो features हैं, ये विशेषताएं हैं, ये निर्जीव वस्तुओं में नहीं पाई जाती. Such as features are said to be the characteristics of living things. और ये जो होते हैं विशेषताएं, इन्हें ही सजीवों के लक्षण कहते हैं. Let us study these characteristics. इस lesson में हम इन्हीं लक्षणों का अध्ययन करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं. Okay? Look at here. Here is one more picture. Picture number 2.2. Growth in living things. Okay. यानी के अभी living things का क्या मतलब है कि सजीव. Growth यानी कि जो उनमें हम क्या बोलेंगे उसको, वृद्धि. ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं वृद्धि, बढ़ना. Growth in living things कि जो सजीव है उनमें जो वृद्धि है. Can you tell, क्या आप बता सकते हो, what differences do we see between the young ones and the adult in the picture? कि यह चित्र में दिए गए बच्चे, ठीक है, और जो जो प्राउड है, सो उनमें कौन कौन से अंतर दिखाई देते हैं. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया है. अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट पर्सन. अ बेबी, ठीक है, अ बेबी ग्रोज अप टू बिकम एन एडल्ट पर्सन, कि बच्चा बड़ा होकर प्राउड स्त्री अथवा पुरुष बन जाता है. वुमन और मैन, ओके, यहाँ पे ये जो बच्चा है, यहाँ पे ये फिर वो कौन बन जाता है कि एक प्राउड स्त्री या फिर पुरुष बन जाता है बाद में, यानी कि मेल और फीमेल, मेल एंड फीमेल. दिस आर द चिल्ड्रन, दिस आर किड्स एंड दिस आर द मेल एंड फीमेल. ओके, एंड यहाँ पे दिया गया है ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इट्स ग्रोथ, कि इस जो ये उनके बढ़ने का जो समय होता है, The baby gains in height. ये जो baby है, जब वो बढ़ता है तो उसकी height बढ़ती है, ऊंचाई बढ़ जाती है. ठीक है, weight यानी उसका वजन बढ़ जाता है, strength उसकी शक्ति भी बढ़ जाती है. In the same manner, इसी तरह से
ऑल एनिमल्स ग्रो इन टू एडल्ट इन अ सर्टन पीरियड. इसी तरह से हर जानवर, देखिए यहाँ पे ये छोटा पपी है कुत्ते का बच्चा, उसके बाद ये थोड़ा बड़ा हो गया और उसके बाद एकदम बड़ा हो गया. ठीक है, दीज आर द थ्री पार्ट्स, ये जो थ्री फंक्शन हमें दिखाई दे गए हैं कि जिस तरह से मनुष्य बढ़ता है उसी तरह प्राणियों की भी ग्रोथ होती है. जनरली सामान्यता ह्यूमंस रिक्वायर 18 टू 20 ईयर्स फॉर हिज ग्रोथ. मनुष्य की जो ग्रोथ होती है सामान्यतः 18 से 21 वर्ष तक का इसको समय लगता है. फाइंड आउट हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द यंग वंस ऑफ हेंस. हमें यह ढूंढना है कि जो मुर्गियां हैं तथा काउज यानी जो गाय है और जो डॉग्स और जो कुत्ते हैं उनके जो बच्चे हैं, तो टू ग्रो इनटू एडल्ट्स, वो जब बड़े होते हैं तो उनमें कौन कौन से डिफरेंसेस आ जाते हैं या फिर उनको कितना टाइम लगता है, ये आपको चेक करके आपके नोटबुक में लिखना है. ओके, सो ट्राई दिस. यहाँ पे बताया गया है कि करो और देखो. लुक एट द पिक्चर नंबर 2.3, सैपलिंग इन अ पॉट, गमले का पौधा. ओके, स्ट्रेच थ्रेड यानी कि ये जो धागा है, थ्रेड यानी धागा, स्ट्रेच यानी तना हुआ धागा, लूज थ्रेड यानी कि ये जो ढीला किया हुआ धागा है. ठीक है, सो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपने ये पिक्चर देखा. लेट चेक व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस टू पिक्चर्स एंड वन मोर पिक्चर ओवर हियर इज 2.4, ग्रोथ इन बनियान एंड कोकोनट ट्रीज. बनियान यानी कि बरगद और कोकोनट यानी नारियल का. ये है बरगद का पेड़ और ये है नारियल का पेड़. लुक एट थ्री फॉर्म्स, ये एकदम छोटे जो प्लांट्स हैं उसके बाद ये थोड़े बड़े हो गए और देन इट बिकम्स ट्रीज. ओके, सो टाई अ थ्रेड टू द टिप ऑफ अ पॉटेड सैपलिंग. यहाँ पे आपको बताया गया है कि गमले में लगे किसी पौधे के सिरे से एक धागा बांधो और उसे सीधे, एंड कीप द थ्रेड स्ट्रेच एंड टाई टू अ पेग और नेल अबोव द प्लांट, और इसे सीधे ऊपर की तरफ एक खूंटी अथवा कील से तान कर बांध लो. ओके, सैपलिंग यानी के सिरे से सबसे ऊपर का पार्ट उससे. What do you observe after 10 to 15 days? और 10 से 15 दिन तक इन्हें ऐसे ही छोड़ दो और उसके बाद में उसमें आपको क्या डिफरेंस देखने के लिए मिलेगा वो आप देखो. What tells us that the plants has grown taller? Okay. वनस्पति में हुई वृद्धि हमें कैसे ज्ञात होती है, कैसे समझ में आती है. इन ऑल प्लांट्स, सभी वनस्पतियों में, इट इज मेनली द विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्टेम दैट ग्रोज, कि सभी वनस्पतियों में मुख्य रूप से तने की मोटाई और ऊंचाई में वृद्धि होती है. ओके, एंड इट इज मेनली द विड्थ एंड हाइट ऑफ द स्टेम दैट ग्रोज, तने की ऊंचाई में और मोटाई में. ओके, विड्थ यानी उसकी जो मोटाई है, विड्थ यानी इस तरह से बढ़ना और हाइट यानी ऊपर की तरफ बढ़ना. As they grow, some plants develop branches while others do not. और इसी तरह जब वृद्धि होती है तब इस समय पे कुछ वनस्पतियों में टहनियां निकलती हैं और कुछ में नहीं निकलती हैं. Though all living things grow, animals grow only for a certain period. इसी तरह से सभी सजीवों में वृद्धि होती है, फिर भी प्राणियों की वृद्धि निश्चित समय तक होती रहती है. Plants on the other hand, लेकिन वनस्पतियां जबकि उनकी वृद्धि जो होती है, grow as long as they live. के प्लांट्स जो होते हैं, वनस्पतियां जब तक जीवित रहते हैं तब तक उनकी वृद्धि होती रहती है. द ग्रोथ ऑफ लिविंग थिंग्स अक्यर फ्रॉम विद इन द बॉडी. सजीवों की वृद्धि शरीर के आंतरिक भागों से शुरू होती है, विच मीन्स दैट ग्रोथ अक्यर्स इन ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. और इसका मतलब होता है कि शरीर के सारे जो भाग है, सारे अंग है, वो डेवलप होने लगते हैं. यूज योर ब्रेन पावर, थोड़ा सोचो. What differences do you see in the growth of trees like mango, banyan and pipal and that of the bamboo, coconut and toddy plants? यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि trees like mango यानि आम का पेड़, बनियान यानि बरगद का पेड़, पीपल यानि पीपल का पेड़, उसके बाद बैम्बू यानि के बांस का पेड़ एंड कोकोनट नारियल का पेड़ और टॉडी प्लांट्स यानि कि जो ताड़ के वृक्ष होते हैं, इनमें आपको कौन सा अंतर दिखाई देता है ये आपको चेक करना है, देख के आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है. फूड इज नेसेसरी फॉर ग्रोथ. देखिए कि वृद्धि के लिए भोजन कितना आवश्यक है. लुक एट हियर, दिस इज द पिक्चर नंबर 2.5. इट इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस मींस प्रकाश संश्लेषण. ओके, सूरज की जो किरणें हैं उनसे जो भी ये प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं लीव्स में, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. इट मीन्स प्रकाश संश्लेषण. मीनिंग्स लिख लीजिएगा वर्ड्स के. सनलाइट का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश. इससे क्या मिलता, वनस्पतियां क्या लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेती है और ऑक्सीजन बाहर की तरफ छोड़ती है एंड उनको
जमीन से क्या मिलता है, वाटर एंड न्यूट्रिशियंट्स, यानी कि पानी तथा पोषक तत्व वो जमीन से लेती है और हवा से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन छोड़ती है और इस तरह से वो अपना खुद का फूड तैयार करती है। देखते हैं यहाँ पे, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड इन सनलाइट, की वनस्पति अपना भोजन स्वयं तैयार करती है सनलाइट में, सूर्य प्रकाश में। प्लांट्स प्रोड्यूस फूड फ्रॉम वाटर न्यूट्रिशन इन द सॉइल एंड द कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एयर, जमीन के पानी तथा पोषक तत्व और हवा के कार्बन डाइऑक्साइड से वनस्पति अपना भोजन बनाती है। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स, और यह प्रक्रिया वनस्पतियों की पत्तियों में होती है। ओके, लीव्स का मतलब क्या, पत्तियां। इट इज ब्रॉट अबाउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश में भोजन के निर्माण की यह प्रक्रिया होती है। विद द हेल्प ऑफ द क्लोरोफाइल इन द लीव्स, ओके, क्लोरोफाइल इन द लीव्स यानी कि जो पर्णरहित होता है उससे ये अपना भोजन तैयार करती है। एंड दिस प्रोसेस ऑफ फूड प्रोडक्शन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, और ये फूड प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, और इस प्रोसेस के दौरान प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ये बाहर छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर की तरफ छोड़ देते हैं। प्लांट्स अपीयर मेनली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द क्लोरोफाइल इन देम, और वनस्पतियों में उपस्थित पर्णरहित के कारण ही ये मुख्य रूप से हमें हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है, प्लांट्स हरे रंग के क्यों दिखाई देते हैं, उनके लीव्स, क्योंकि उनमें क्लोरोफाइल होता है, इसका मतलब होता है कि पर्णहरित, इसको हिंदी में कहेंगे पर्णहरित। हमने फोटोसिंथेसिस प्रोसीजर देखी। लुक एट हियर पिक्चर नंबर 2.6, इनटेक ऑफ फूड बाय एनिमल्स। अभी यहाँ पे हमने देखा कि वनस्पतियाँ की जो फूड बनाने की प्रोसेस है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस, बट यहाँ पर जो प्राणी है, जो एनिमल्स है, जो जानवर है, तो वो कैसे अपना फूड खाते हैं या फिर वो कैसे जीवित रहते हैं। एनिमल्स यानी प्राणी हाउएवर डू नॉट हैव क्लोरोफाइल, की एनिमल्स में पर्णहरित नहीं होता है, ठीक है, खुद का भोजन खुद बनाने के लिए। दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर ओन फूड, ये अपना जो खाना है ये खुद नहीं बना सकते हैं, तैयार नहीं कर सकते हैं। दे सर्च फॉर फूड, वो अपना भोजन खोजते हैं। एनिमल्स सच एज गोट्स, शीप, हॉर्सेस ईट ग्रास, वाइल वाइल्ड एनिमल्स सच एज टाइगर्स एंड लायंस मीट देयर नीड फॉर फूड बाय हंटिंग अदर एनिमल्स विच लीव्स ऑन प्लांट्स। यहाँ पे देखिए, एनिमल्स सच एज गोट्स यानी के जो बकरी होती है, शीप, शीप का मतलब होता है कि जो भेड़ होती है, और हॉर्सेस यानी घोड़ा, ये ग्रास यानी कि घास खाते हैं और उससे वो अपना पेट भरते हैं। लेकिन जो वाइल्ड एनिमल, जो जंगली जानवर रहते हैं, लाइक टाइगर यानी बाघ और लायन यानी के सिंह, ये अपना फूड कैसे खाते हैं कि जो भी लाइक यहाँ पे देखिए, ये जो यहाँ पे बाघ है, ये हरिन को खा रहा है, डियर को खा रहा है, तो ये क्या करते हैं, जो वनस्पतियों पर जो प्राणी, दूसरे प्राणियों को, छोटे प्राणियों को ये खाते हैं, उनकी शिकार करते हैं, हंट यानी शिकार करके वो अपना पेट भरते हैं। The intake of food and the resultant growth is an important characteristics of living things. भोजन ग्रहण करना, intake यानी खाना खाना, and the resultant growth, और उसके कारण जो होने वाली वृद्धि होती है, यह सजीवों का एक लक्षण है। This is the most important characteristics of living things. The intake of food and the resultant growth. Exam में अगर ये question आता है तो आपको समझ में आना चाहिए, okay? Let's check, observe and discuss. आगे बढ़ते हैं, देखो और सोचो यानी चर्चा करो। अ लीफ ऑफ अ प्लांट, ये है वनस्पति की पत्ती। गिल्स, गिल्स यानी गलफड़े, ओके, जहां से ये सांस लेते हैं। नोज यानी नाक, मनुष्य में क्या होता है, नोज होता है। उसके बाद मछलियों में ये होता है कि गिल्स, इसको गलफड़े कहते हैं। नोज यानी नाक, अ लीफ ऑफ अ प्लांट यानी वनस्पति की पत्ती। अभी रेस्पिरेशन इन लिविंग थिंग्स, श्वसन, रेस्पिरेशन यानी सांस लेना और छोड़ना, अंदर की तरफ सांस लेकर बाहर की तरफ छोड़ना, इसको कहते हैं रेस्पिरेशन। सजीवों में ये जो प्रोसेस है ये देख लेते हैं क्या है। रेस्पिरेशन यानी श्वसन, नंबर वन, होल्ड योर हैंड इन फ्रंट ऑफ योर नोज और कीप योर हैंड ऑन योर नोज एंड चेक हाउ डू यू फील, कि अपनी नाक के सामने अथवा छाती पर हाथ रखो और यह देखो कि आपको क्या समझ में आता है। नंबर टू, इफ यू ऑब्जर्व अ स्लीपिंग डॉग, व्हाट मूवमेंट ऑफ इट्स बेली डू वी सी, अगर एक कुत्ता अगर सोया हुआ है तो उसके पेट में कौन कौन सी हलचल आपको दिखाई देती है। सो इट मीन्स लिविंग थिंग्स नीड ऑक्सीजन इन ऑर्डर टू लिव, कि जीवित रहने के लिए सजीवों को ऑक्सीजन की जरूरत है। इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म इन द बॉडी ड्यू टू द यूज ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। अभी इनहेलिंग यानी इनहेलिंग ऑक्सीजन, शरीर में ऑक्सीजन शरीर में लेना, इनहेलिंग यानी अंदर की तरफ लेना, एंड एक्सहेलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ छोड़ना।
सो इसको क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं श्वसन कहते हैं, ठीक है। एनिमल सच एज फिश, प्राणी जैसे कि मछली, प्राणी जैसे कि मछली, स्नेक यानी कि सांप, माउस यानी चूहे एटसेट्रा इत्यादि हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, इनके पास एक विशिष्ट प्रकार का इंद्रिय होता है सांस लेने के लिए। ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरे तरफ प्लांट्स रिस्पायर बाय मींस ऑफ माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर स्टेम्स एंड लीव्स, लेकिन जबकि वनस्पति अपने तने तथा पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्र माइक्रोस्कोपिक पोर यानी सूक्ष्म छिद्रों से अपना श्वसन करती है, ठीक है। और ये जो फिश, स्नेक, मछली, सांप तथा चूहे, ये इनके पास सूंडी तथा तिलचट्टा जैसे प्राणियों में श्वसन के लिए निश्चित इंद्रियां होती है, ये तो हमने आपको बताया। ओके, रेस्पिरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, और यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट कैरेक्टर हमने क्या देखा, ग्रोथ का देखा। ओके, इनटेक एंड जो ग्रोथ होती है, इनटेक ऑफ फूड एंड द ग्रोथ, दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक। द सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, यानी कि श्वसन सजीवों का लक्षण है। ओके, लेट्स चेक, कैन यू रिकॉल, क्या आपको याद है, यहाँ पे आपको बताया गया है, थोड़ा याद करो। इज ऑल द फूड वी ईट यूज बाय द बॉडी, क्या हम जितना खाना खाते हैं वो बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्या खाए गए संपूर्ण भोजन का शरीर में उपयोग होता है। नंबर टू, व्हाट इज द अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड कन्वर्टेड इनटू, और निरुपयोगी खाद्य पदार्थों को का किसमें रूपांतरण होता है, हमारे बॉडी में जो अनवॉन्टेड फूड है, अनयूज्ड पार्ट ऑफ फूड है, वो कहाँ पे जाता है। एग्जिशन, ओके ओके, एग्जिशन यानी कि उत्सर्जन, एग्जिरीशन आप इसको बोल सकते हैं, एग्जिरीशन यानी उत्सर्जन, जो आप प्रोनाउंस करना चाहोगे, क्योंकि एग्जर्शन हम बोले तो उसका मीनिंग अलग हो जाता है, सो वी विल कॉल्ड इट एग्जिरेशन। वेस्ट, वेस्ट सब्सटेंसेस आर फॉर्मड ड्यूरिंग द मेनी प्रोसेसेस एंड टेक प्लेस इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स, कि प्राणियों के शरीर में होने वाली अन्य अनेक क्रियाओं में भी निरुपयोगी तथा बाहर निकलने योग्य पदार्थ तैयार होते हैं। दीज आर कॉल्ड एक्सेट्रा एंड द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग देम फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सिरेशन। ओके, तो इन्हें उत्सर्ज कहते हैं, और उत्सर्ज को शरीर को बाहर से निकालने की क्रिया को उत्सर्जन, एक्सिरेशन यानी कि उत्सर्जन। एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर एक्सिरेशन, और प्राणियों में उत्सर्जन के लिए स्पेसिफिक ऑर्गन यानी कि विभिन्न अवयव होते हैं, ऑर्गन्स यानी अवयव। प्लांट्स टू एक्सिरेट, और वनस्पतियां भी उत्सर्जन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, सम प्लांट शेड लीव्स इन अ स्पेसिफिक सीजन, कुछ वनस्पतियां अपनी पंतियां, अपनी जो पत्तियां होती हैं विशिष्ट ऋतु में गिराती है। वेस्ट सब्सटेंसेस स्टोर्ड इन द लीव्स ऑफ प्लांट्स आर शेयर्ड अलोंग विद द लीव्स, और जो उसे हम क्या कहते हैं, पतझड़ कहते हैं, वनस्पतियों की पत्तियों में संचित उत्सर्ज जो पदार्थ उन पत्तियों के साथ गिर जाते हैं। अ ट्री शेडिंग लीव्स मीन्स इसको पतझड़ कहते हैं, ठीक है। शेडिंग, अ ट्री शेडिंग लीव, शेडिंग यानी गिराना, ठीक है, सारे पत्ते गिर जाते हैं पतझड़ के मौसम में और वापस से उन्हें नए पत्ते आते हैं। ओके, सो इस प्रकार से वो अपना अनवांटेड जो फूड का पार्ट होता है उनके बॉडी में वो बाहर फेंक देती है। अभी देखते हैं, ट्राई दिस, इसे आप करो। टेक अ ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग, कि आप एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बैग ले लो, ओके, पॉलीथीन की थैली, टाइट ओवर अ लीफ ऑफ अ प्लांट एज शोन इन द पिक्चर, जैसे कि ये लड़की यहाँ पे कर रही है, एक पत्ते के ऊपर उसको बांध लो। ऑब्जर्व इट आफ्टर 6 to 7 hours, व्हाट डू यू सी, और 6 से 7 घंटे बाद देख लो कि वहां पर क्या दिखता है। ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कलेक्ट ऑन द इनसाइड ऑफ द बैग, ड्रॉपलेट्स यानी क्या, कि थैली के अंदर वाले भाग पर पानी की जमी हुई बूंदे दिखती है। इट मीन्स दैट प्लांट्स एक्सरेट वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर, इस अर्थात वनस्पतियां पानी का वाष्प रूप में उत्सर्जन करती है। एक्सरेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, उत्सर्जन सजीवों का एक लक्षण है, ठीक है। यूज योर ब्रेन पावर, अपना दिमाग को थोड़ा यूज करो। व्हाट इज द स्टिकी सब्सटेंस सीन ऑन द स्टेम ऑफ द बाबुल, अकासिया और ड्रमस्टिक ट्रीज, कि बबुल और सहजन की वनस्पतियों के तने पर दिखाई देने वाला चिकना पदार्थ क्या होता है, इसका पता लगाए और नोटबुक में उसका आंसर लिखे। ऑब्जर्व एंड डिस्कस, देखो और चर्चा करो। हैव यू एक्सपीरियंस दिस, क्या आपने कभी यह अनुभव किया है। व्हाट हैपन इमीडिएटली आफ्टर द फॉलोइंग एक्शन, ये जो दिए गए पॉइंट्स है ये करने के बाद इमीडिएट क्या आपको परिणाम देखने को मिलता है। नंबर वन, लाइट फ्लैश सडनली इन टू योर आइज, की आंखों पर अचानक प्रकाश पड़ना। नंबर टू, सडनली यू फेल्ट अ पिन प्रिक, के हाथ में अचानक किसी ने चिकोटी काट ली या पिन चुबा दे ऐसा लगना। नंबर थ्री, द लीव्स ऑफ द मिमोजा प्लांट वर टच्ड, छुई मुई, ये देखो इसको, द मिमोजा यानी छुई मुई, इसको लाजवंती कहते हैं, इसके पत्तों को हाथ लगाती ये
सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, यानी कि इनके पत्तियों को हाथ से छू दिया तो क्या होता है। नंबर फोर, एट सनसेट, यानी कि जब सूर्यास्त होने वाला होता है, लैम्प्स ऑन द स्ट्रीट और कर्ट यार्ड आर लिट एंड इंसेक्ट्स गैदर अराउंड द लैम्प्स, कि इसके टाइम पर मैदान अथवा सड़क के जो दिए जलते हैं, ये उनके चारों ओर कीड़े और मकेड़े क्यों जमा हो जाते हैं। रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टाइमुली एंड मूवमेंट, ओके, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टाइमुली एंड मूवमेंट, चेतनाशीलता या फिर हलचल हम इसको कहते हैं। लुक एट हियर, अ पॉटेड प्लांट, ओके, ये गमले में लगाया गया एक पौधा है। यहाँ पे हम देखेंगे, ये है पिक्चर नंबर 2.10, रिस्पॉन्सिवनेस एंड मूवमेंट, इसको हम कहेंगे चेतनाशीलता तथा हलचल, मूवमेंट यानी हलचल एंड रिस्पॉन्सिवनेस यानी चेतना क्षमता, इसके वर्ड्स लिख लो आप। लिविंग थिंग्स एक्ट इन वेरियस वेज व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू अ स्टाइमुलस, ओके, चेतना पर अनुक्रिया करते समय सजीवों में विभिन्न क्रियाएं होती हैं। इफ यू सडनली एंटर अ काउशेड, अगर आप अचानक गाय के गाय का जो काउशेड होता है, ठीक है, जहां पर गाय को बांधा जाता है, वहां पर अंदर जाओ, द काउज एंड बफेलो स्टैंड अप, ओके, जहां पर गाय और बैलों को बांधा जाता है, भैंसों को, तो उसके बाड़े में अचानक आपने प्रवेश कर दिया, पर वो अचानक वो फटक से उठकर खड़ी क्यों हो जाती है, बिगिन टू मूव, और हलचल करने लगती है। वन और टू में एवन स्टार्ट मूइंग, मूइंग यानी के रंभाना, ठीक है, तो उनमें से एक दो रंभाने की प्रोसेस स्टार्ट कर देती है। दीज आर ऑल मूवमेंट्स, इन सभी जो आपको दिखती है मूवमेंट्स, इसको हम कहते हैं मूवमेंट्स यानी हलचल, जो भी वो एक्ट करती है, दैट इज कॉल्ड मूवमेंट्स। अ क्रीपर प्लांटेड इन द कोर्ट यार्ड लीन्स टूवर्ड्स सपोर्ट, आंगन में लगाई गई लता के आधार की दिशा में झुकती है। अ पॉटेड प्लांट प्लेस्ड इन अ विंडो ग्रोस टूवर्ड्स सनलाइट, अगर आप खिड़की में पौधे को रोको तो वो बाहर की तरफ ही बढ़ता है, सनलाइट की तरफ, ठीक है, कि गमले में लगाई गई वनस्पति को खिड़की में रखे तो वो सूर्य के प्रकाश की ओर ही मुड़ती हुई हमें दिखाई देती है। इट मीन्स दैट प्लांट्स टू, इसका अर्थ है कि प्लांट्स भी हलचल करते हैं, शो मूवमेंट्स यानी कि वो हलचल दिखाई देती है। लिविंग थिंग्स मूव ऑफ देयर ओन अकॉर्ड, और सजीवों में हलचल स्वयं प्रेरणा से होती है, ओन अकॉर्ड यानी कि स्वयं प्रेरणा, ओके। यहाँ पे आगे दिया गया है, the movement or the change taking place in a living thing at such a time is their response to a stimulus, आसपास घटने वाली घटना का अर्थ चेतना है और इसके कारण सजीवों द्वारा की जाने वाली हलचल का अर्थ अनुक्रिया है, stimulus यानी अनुक्रिया। an event that occurs in our surroundings is a stimulus, और इसको ही हम क्या कहते हैं, अनुक्रिया। and the ability of living things to respond to a stimulus is called their responsiveness to stimuli, और चेतना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता को चेतनाशीलता कहते हैं। यहाँ पे देखिए, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टाइमली इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग, चेतनाशीलता सजीवों का लक्षण है। यूज योर ब्रेन पावर, सोचो। पॉइंट वन, इन ईच ऑफ द एग्जांपल्स गिवन अबो, व्हाट इज द स्टाइमुलस एंड व्हाट इज द रिस्पॉन्स, कि आरंभ में दिए गए उदाहरणों में किसे चेतना कहेंगे और किसे अनुक्रिया कहेंगे, ठीक है, स्टाइमुलस अनुक्रिया और रिस्पॉन्स यानी चेतना, ठीक है। नंबर टू, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द मूवमेंट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वनस्पति तथा प्राणियों के हलचलों में क्या मुख्य अंतर है, ये आपको ढूंढना है और लिखना है, ठीक है। कैन यू टेल, क्या बता सकते हो, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस पिक्चर्स, कि इन पिक्चर्स से हमें क्या सीखने को मिलता है। दिस इज द पिक्चर नंबर 2.11, अ बर्ड एंड इट्स एग्स, चिड़िया तथा उसके अंडे, ओके, ब्रायोफिलम यानी कि पानफुटी इसको कहते हैं, अ मेयर एंड हर फोल यानी कि एक जो लेडी हॉर्स है वो और उसका ये बच्चा है, रोज कटिंग, और यहाँ पे गुलाब की ये कलम है, कट किए हुए उसके जो स्टेम्स होते हैं वो, इसको कहते हैं रिप्रोडक्शन यानी कि पुनरुत्पादन, प्रजनन हम अभी सीखने वाले हैं। रिप्रोडक्शन इट मीन्स प्रजनन अथवा पुनरुत्पादन। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस अदर लिविंग थिंग्स लाइक देमसेल्फ्स, सजीव अपने समान दूसरे सजीव उत्पन्न करते हैं। सम एनिमल्स गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, कुछ जो प्राणी है वो अपने बच्चों को जन्म देते हैं। सम ले एग्स, और कुछ अंडे देते हैं, ले यानी देना, एग्स यानी अंडे। देयर यंग वंस हैच आउट ऑफ द एग्स, हैच आउट यानी उनके जो बच्चे होते हैं वो अंडों से बाहर निकलते हैं। न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स स्टेम्स और लीव्स ऑफ प्लांट्स, वनस्पतियों के बीज तथा पत्ती से उनके समान नए पौधे तैयार होते हैं। अभी इस स्टेम से नया गुलाब का फूल तैयार, गुलाब आ जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए, ये ब्रायोफिलम जो दिया है आपको प्रोसेस यानी कि पनफुटी, इसमें स्टेम से हो जाता, सॉरी लीव्स से प्रोडक्शन हो जाता है। द प्रोसेस बाय विच अ लिविंग थिंग जनरेट्स अ न्यू थिंग,
The process by which a living thing generates a new living thing like itself is called reproduction or procreation. ठीक है, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के प्राणी तथा वनस्पतियां आज भी क्यों टिकी हुई है? रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि प्रजनन यह सजीवों का प्रमुख लक्षण है. यूज योर ब्रेन पावर, अपने दिमाग को चलाओ. व्हाई हैव सो मेनी टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बीन एबल टू सर्वाइव ऑन द अर्थ इवन टूडे, कि पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव अभी तक क्यों टिके हुए हैं, यह आपको ढूंढ निकालना है. एंड रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यानी कि प्रजनन यह भी सजीवों का प्रमुख लक्षण है, यह हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं. ऑब्जर्व एंड डिस्कस, देखो और चर्चा करो. अ डेफिनाइट लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन यानी जीवन काल. ठीक है, पॉइंट नंबर 2.11 या 12, 2.12 का जो पिक्चर है. ओके, सभी का लाइफ स्पैन होता है निश्चित जीवन काल. एट अ सर्टन स्टेज ऑफ लाइफ, जीवन काल के एक निश्चित पड़ाव पर लिविंग थिंग्स बिकम केपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन, कि जो सजीव हुए प्रजनन सक्षम बन जाते हैं. लेटर ऑन इन लाइफ रिप्रोडक्शन स्टेज, और कुछ समय बाद उनके रिप्रोडक्शन स्टेज में देयर ऑर्गन बिकम वीक एंड स्टिल लेटर, तो उनके जो अवयव होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं. और देन देयर लाइफ कम्स टू एन एंड, और कुछ समय बाद उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे इसमें दूसरे भाषा में, लिविंग थिंग्स डाई, कि सजीवों की मृत्यु होती है. द लाइफ स्पैन ऑफ डिफरेंट एनिमल्स एंड प्लांट्स आर डिफरेंट, और विभिन्न प्राणी और वनस्पतियों के जीवन काल भी भिन्न भिन्न होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द लाइफ स्पैन ऑफ द डॉग इज अबाउट 12 to 18 ईयर्स, एक कुत्ता 12 से 18 साल तक जीवित रहता है. वाइल द ऑस्ट्रिच लिव्स फॉर 50 ईयर्स, वाइल जबकि शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच जो शुतुरमुर्ग पंछी है, वो 50 साल तक जीवित रहता है. डॉग का लाइफ स्पैन कितना है? 12 टू 18 ईयर्स, एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ सकता है. और ऑस्ट्रिच का 50 ईयर्स है, ध्यान में रखिएगा. यू मे हैव वंडर्ड व्हाट एग्जैक्टली द लिविंग थिंग्स आर, हाउ दे केम इनटू बीइंग एंड सो ऑन, सजीव निश्चित रूप में कैसे है, ये कैसे तैयार हुए और किससे तैयार हुए, ऐसे प्रश्न आपके मन में आ सकते हैं. ठीक है, डू यू नो, क्या आप जानते हो कि द लाइफ स्पैन ऑफ द जियांट टर्टल फाउंड ऑन द गैलापागोस आइलैंड इन साउथ अमेरिका इज अबाउट 170 ईयर्स. ऑन द अदर हैंड, द लाइफ स्पैन ऑफ द मे फ्लाई रेंजेस फ्रॉम 1 hour to 24 hours. देखिए, जियांट यानी कि दक्षिण अमेरिका के स्थित जो गैलापागोस द्वीप है उस पर पाए जाने वाला ये जियांट टर्टल, यानी कि एक बहुत ही विशाल कछुआ है, इसका जो जीवन काल है 170 साल तक ये जीवित रह सकता है. और जो मेफ्लाई नाम का ये जो एक कीटक है, ये सिर्फ 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक जीवित रहता है. कैन यू टेल, आप बता सकते हो, ऑब्जर्व हनी कॉम्ब एंड अ वॉल, व्हाट आर दे मेड ऑफ, कि मधुमक्खियों के छत्ते और किसी दीवार का निरीक्षण करो और ये कैसे बनते हैं, हमें बताओ. ठीक है, 2.13, अ वॉल यानी दीवार, एंड ये है हनीकॉम. ठीक है, मधुमक्खियों का छत्ता. यू मे हैव सीन द स्मॉल कंपार्टमेंट्स ऑफ हनीकॉम, मधुमक्खी के छत्ते के छोटे छोटे भाग अर्थात कोश हमने देखे हैं. दीज कंपार्टमेंट्स आर जॉइन टूगेदर टू फॉर्म अ हनीकॉम, और ये जो कोश है एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही मधुमक्खी का छत्ता तैयार होता है. अ वॉल हैज ब्रिक्स, और दीवार पर क्या होती है, ब्रिक्स यानी ईंटें होती हैं. टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल, और ईंटों से ही वॉल यानी दीवार बन जाती है. वी फर्मली जॉइन द ब्रिक्स टूगेदर, और एक दूसरे से ये ईंटों को जोड़ने के बाद ही पूरी दीवार बन जाती है. ठीक है, दिस इज द थिंग, ये आपको सोचना है. अभी देखिए, अ सेलुलर स्ट्रक्चर, इट मीन्स कि कोशिकीय रचना, व्हाट वी कॉल्ड इट, अमीबा. ठीक है, ये है अमीबा, दैट इज पैरामीशियम. ओके, ये है तिलचिट्टा, यानी कि हम इसको कॉकरोच कहते हैं. This is the pigeon, it means कबूतर है ये. ठीक है, so देखते हैं अभी क्या दिया है यहाँ पर. Living things are made of small units called cells. सजीव जिन छोटे छोटे घटकों से बनते हैं उन्हें कोशिका कहते हैं, cells यानी कोशिका. All the actions and processes in the bodies of living things are brought about with the help of these microscopic cells. Microscopic cells यानी सूक्ष्म कोशिकाओं की सहायता से ही सजीवों के शरीर की सभी क्रियाएं संपन्न होती है. सम लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ अ सिंगल सेल, कुछ सजीव एक ही कोशिका से बने होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जो दिए गए हैं, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी के यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी इन्हें एक कोशिकीय सजीव कहते हैं. इन ऑन द अदर हैंड, द लिविंग थिंग्स दैट आर मेड ऑफ मेनी
सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो एक ही सिंगल सेल से बनते हैं. फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड पैरामेशियम, ओके, दीज आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक कोशिकीय. और जो बाकी के सजीव होते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बनते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं. द अमो, ओके, यहाँ पे देखिएगा, द अमीबा एंड सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, वाइल मैन, काउ, हाउस, सॉरी माउस, कॉकरोच, एलिफेंट्स, बनियान ट्री, द अनियन प्लांट एटसेट्रा ऑल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. की अमीबा तथा कुछ सूक्ष्म जीव एक कोशिकीय है, जबकि मनुष्य, गाय, चूहा, तिलचट्टा, हाथी, बरगद का वृक्ष, प्याज का पौधा, ये सभी बहुकोशिकीय सजीव हैं. ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर सीन इन एवरी सेल ऑफ अ लिविंग थिंग. और सजीव एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय हो, उनके सभी लक्षण उनके कोशिका में दिखाई देते हैं, वेदर इट इज यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. एक कोशिकीय हो या फिर बहुकोशिकीय हो, लेकिन उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके उन सेल्स में दिखाई देते हैं. यहाँ पे देखिए, सेलुलर स्ट्रक्चर, ओके, इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, इवन दो द नंबर ऑफ सेल्स में वैरी. कोशिकाओं की संख्या भिन्न होने पर भी कोशिकीय रचना सजीवों का प्रमुख लक्षण है. यहाँ पर देखिए, वेरियस लिविंग थिंग्स, स्नेल, ट्री, ये आपको प्याज का पौधा है, एंड द एलिफेंट. ओके, इंस्टीट्यूट एट वर्क, कौन क्या करता है, इंस्टीट्यूट्स एट वर्क. The institutes that work for the survey and conservation of the various plants and animals in different parts of India are the Botanical Survey of India 1890. Okay. So, यहाँ पे दिया गया है कि भारत के विभिन्न भागों की वनस्पति और प्राणियों के सर्वेक्षण संवर्धन का कार्य भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्था 1890 एंड द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण संस्था 1916 रिस्पेक्टिवली, यह करते स्वतंत्र रूप से करते हैं. So, in case we find an unfamiliar plant or animal in your surroundings, you can communicate with this institutes to obtain more information about it. यदि आपको आपके परिसर में कोई अपरिचित वनस्पति, ठीक है, या फिर प्राणी मिलता है, तो आप इन संस्थाओं को संपर्क करके उन्हें यह जानकारी दे सकते हो. Can you tell, क्या आप बता सकते हैं, in what way are plants and animals useful to us, कि वनस्पति और प्राणी हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी होती है. दिस इज द वसाका, इसको अड़ूसा बोलते हैं हम. पोटैटो, यानी कि पोटैटो तो सबको पता है, ठीक है, आलू. एंड दिस इज द डॉग, यानी कि कुत्ता है. यूज फॉर लिविंग थिंग्स, प्लांट्स आर यूज फॉर हाउस होल्ड एज वेल एज इंडस्ट्रियल पर्पज, घरेलू तथा औद्योगिक कामों के लिए वनस्पतियों का उपयोग किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उदाहरण के लिए, फेनुग्रीक मेथी, ठीक है, फेनुग्रीक यानी मेथी, पोटैटो यानी कि आलू, ओकरा यानी कि भिंडी, ठीक है, एप्पल यानी कि सेब, बनाना यानी कि केला आर यूज एज फूड, वाइल वसा का अड़ुलसा, हिरडा, बेहड़ा, एस्पैरगस, ओके, एस्पैरगस यानी शतावरी इसको हम बोलते हैं, आर यूज एज मेडिसिन, इनको आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने के लिए यूज किया जाता है. एनिमल्स आर ऑल्सो यूजफुल टू अस, इसी तरह से प्राणी भी हमारे लिए उपयोगी हैं. डॉग्स, कुत्ते, कैट्स, बिल्लियां, काउज, गाय, बफेलोज, बैल आर केप्ट फॉर डोमेस्टिक यूजेस, यानी कि घरेलू उपयोग, ये जो प्राणी है ये घरेलू उपयोग के लिए पाले जाते हैं. और फिश हो, मछली हो, शीप यानी के भेड़ हो, फॉल यानी के बकरी हो, आर यूज एज फूड, इनको खाने में भी यूज किया जाता है, इनका उपयोग भोजन के लिए किया जाता है. वाइल एनिमल्स लाइक हॉर्सेस यानी कि घोड़ा हो, ऑक्सन यानी कि फिर बैल हो, कैमल यानी ऊंट हो, प्रो यूजफुल इन वेरियस ऑक्यूपेशंस, इनको व्यवसायों में उपयोग किया जाता है. द अर्थ वर्म इज वेरी यूजफुल इन एग्रीकल्चर, अर्थ वर्म यानी कि जो हम बोलते हैं ना कि केंचुआ, ओके, तो वह एग्रीकल्चर यानी कि रेंगने वाले कीड़े जो रहते हैं वो खेती के लिए बहुत ही यूजफुल रहते हैं. हार्मफुल लिविंग थिंग, जिस तरह से उपयोगी यूजफुल लिविंग थिंग्स है उस तरह से हार्मफुल भी है. Look at here, very dangerous, that is called, चलिए देख लेते हैं, 2.16 harmful living things. Some animals and plants around us are harmful to man. कुछ प्राणी और कुछ वनस्पतियां हमारे लिए बहुत ही dangerous साबित हो सकते हैं, घातक. For example, उदाहरण के लिए mosquitoes, mosquitoes यानी कि ये जो इनको क्या बोलते हैं, चूहा, okay. सॉरी, मॉस्किटोज यानी कि जो मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज यानी मच्छर, फ्लाइज यानी कि जो मक्खियां होती है, स्प्रेड डिसीज, यह रोगों का प्रसार करती है. कॉकरोचेस, तिलचट्टा, माइस यानी चूहा,
एंड रैट्स, रैट्स यानी बिच्छू है, डिस्ट्रॉय आवर फूड, ये हमारा खाद्यान्नों का विनाश करते हैं। लाइस, ओके, जू तथा टिक्स यानी किलनी अल्सो स्प्रेड डिसीज, इनके कारण भी रोग फैलते हैं। द बाइट्स ऑफ सम पॉइजनस लिजर्ड्स, ओके, लिजर्ड्स यानी कि जो ये छिपकली रहती है, जो बहुत ही पॉइजनस रहती है, विषैली रहती है। स्पाइडर्स, ओके, स्पाइडर्स यानी कि मकड़े, जो पॉइजनस मकड़ी रहती है। स्नेक्स यानी कि सांप रहते हैं। एंड स्कॉर्पियंस यानी कि ये जो, इनको हिंदी में क्या कहेंगे, बिच्छू। ओके, सो दिस कैन इवन कॉज डेथ, इनको इनके काटने से डेथ यानी कि इंसान मर भी जाता है। इफ वाइल्ड एलिफेंट्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स दे कॉज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शंस, और जंगली हाथी जब मानव की बस्तियों में घुसकर बड़े पैमाने पर विनाश करते हैं तो उससे बहुत ही विनाश हो जाता है, डिस्ट्रक्शन यानी विनाश हो जाता है। सम प्लांट्स, और जैसे प्राणी है उसी तरह से कुछ प्लांट्स भी हैं, प्लांट्स टू कैन बी हार्मफुल, प्राणियों की तरह वनस्पतियां भी हानिकारक होती है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि द डॉडर, ओके, द डॉडर यानी कि कौन सी, ये मोथा हम इसको बोल सकते हैं। पैराथेनियम, पैराथेनियम यानी अपत्रन एंड अदर वीड्स यानी अमरबेल भी हम उसको बोल सकते हैं। पॉड्स ऑफ द नेटल, ओके, केवांच एंड कोलाशिया, पॉड्स ऑफ द नेटल, केवांच, कोलाशिया लीव्स कॉजेस इचिंग, और जो अरवी जैसी वनस्पतियां होती हैं उनके पत्तों से हमें खुजली होने लगती है। प्लांट्स लाइक ओलियंडर, लंटाना हैव स्ट्रॉन्ग ऑडर्स, ओके। सो कनेर और जरबेर जैसी वनस्पतियों की गंध तीक्ष्ण होती है। द धतूरा प्लांट इज पॉइजनस, ये देखिए धतूरा यानी कि इसको हम धतूरा, ये विषैली वनस्पति बोल सकते हैं। अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगी एंड लग इन वाटर पॉल्यूट्स ड्रिंकिंग वाटर एंड मे कॉज द स्प्रेड ऑफ डिसीज, और ये जो अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ फंगी एंड अलगी यानी कि कवक शैवाल जैसी वनस्पतियों का पानी में अत्यधिक वृद्धि होने पर पानी दूषित हो जाता है और इससे बीमारियां फैलती है, डिसीज यानी बीमारियां फैल जाती है। और ये कोलासिया लीव जो होती है पानी में, नहीं कि आप अगर रिवर हो बहुत बड़ी, जहाँ पर आप अगर डैम्स रहते हैं, ब्रिजेस के नीचे जो पानी रहता है, कभी कभी ये बहुत जमा हुआ दिखता है, राइट। सो इससे भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर, वाइल्ड एनिमल्स दैट हंट अदर एनिमल्स फॉर फूड आर कॉल्ड प्रिडेटर्स, ओके, कि हिंसक सजीव, ओके, वाइल्ड एनिमल, जंगल में रहने वाले जो दूसरे प्राणी, जो प्राणी दूसरे प्राणियों को मारकर खाते हैं उन्हें हिंसक प्राणी कहते हैं, प्रेडेटर्स यानी हिंसक प्राणी। उदाहरण के लिए टाइगर्स यानी कि जैसे कि बाघ, लायंस यानी सिंह, वॉल्व्स, ओके, वॉल्व्स यानी कि भेड़िया, लेपर्ड्स यानी तेंदुए, दिस आर वी कॉल्ड लेपर्ड। समटाइम्स ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन सच एनिमल्स एंटर ह्यूमन सेटलमेंट्स इन सर्च ऑफ फूड एंड मे किल डोमेस्टिक एनिमल्स और पीपल, कभी कभी जंगलों की कटाई के कारण ये सभी प्राणी मनुष्य की बस्ती में घुस जाते हैं और बड़े पैमाने पर वो पालतू जानवर हो या फिर मनुष्य हो इनकी शिकार करते हैं। फाइंड आउट, आपको जानकारी प्राप्त करनी है, वॉच टीवी चैनल सच एज नेशनल जियोग्राफिक डिस्कवरी एंड कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन आवर सराउंडिंग्स, हैव अ क्लास डिस्कशन विद रेफरेंस टू द कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन। आपको आपके आसपास पाई जाने वाली विभिन्न वनस्पति या हो प्राणी हो किस प्रकार उपयोगी एवं हानिकारक है यह ढूंढने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए आपके टीवी पर नेशनल जियोग्राफिक चैनल आता है और डिस्कवरी चैनल आता है। इनको या इनके ऊपर 24/7 यही सीरियल स्टार्ट यानी कि ये सारे प्रोग्राम्स दिखाई देते हैं, वो आप देखकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो, और ये जानकारी आप जो प्राप्त करोगे उसको क्लास में अपने दोस्तों के साथ आप डिस्कस करो। सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेम्बर, हमेशा ध्यान में रखो, मेनी प्लांट्स एंड एनिमल्स इन नेचर सेटिस्फाई आवर नीड्स, कि प्रकृति की विविध वनस्पतियां तथा प्राणी हमारी आवश्यकताओं को पूरा करती है। द यूज ऑफ सच एज प्लांट्स एंड एनिमल शुड बी रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू आवर नीड्स, और जितनी आवश्यकता हो उतना ही उपयोग हमें करना चाहिए। वी शुड नॉट पक लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अननेसेसरली, और अकारण यानी कि विदाउट एनी पर्पज आप वनस्पतियों की पत्तियां, फूल और फल ना तोड़े। एनिमल शुड नॉट बी हंटेड, और प्राणियों की शिकार भी आप ना करें, ओके, दे शुड नॉट हंट फॉर जस्ट फॉर फन, और जस्ट उन्हें अपने मजा अपने उन्हें कष्ट ना दे आपके सेटिस्फेक्शन के लिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी ऑफ ऑल ऑफ अस टू प्रोटेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें वनस्पतियों तथा प्राणियों का संरक्षण करना ही हमारा कर्तव्य है। वॉट वी हैव लर्न, इस लेसन से हमने क्या पढ़ा? पॉइंट नंबर वन, ग्रोथ यानी वृद्धि, रेस्पिरेशन श्वसन, एक्सरेशन उत्सर्जन, रिप्रोडक्शन प्रजनन, रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टाइमुली यानी चेतनाशीलता हलचल, सॉरी चेतनाशीलता मूवमेंट यानी हलचल,
तथा अ डेफिनेट लाइफ स्पैन एंड सेलुलर स्ट्रक्चर, कि अ डेफिनेट लाइफ स्पैन यानी कि निश्चित जीवन काल, सेलुलर स्ट्रक्चर कोशिकीय रचना आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स, यह सजीवों के लक्षण है। नंबर टू, एनिमल्स ग्रो फॉर सर्टन पीरियड ऑफ देयर लाइफ, प्लांट्स हाउएवर ग्रोज एज लॉन्ग एज दे लिव, कि प्राणियों की वृद्धि निश्चित काल तक होती है लेकिन जो वनस्पतियां हैं वह उनके जीवित रहने तक उनकी वृद्धि होती है। पॉइंट नंबर थ्री, एनिमल्स हैव स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर रेस्पिरेशन, श्वसन के लिए प्राणियों में निश्चित अवयव होते हैं, व्हाइल प्लांट्स रेस्पायर थ्रू माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स एंड स्टीम्स, जबकि वनस्पतियां तने तथा पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों द्वारा श्वसन करती है। पॉइंट नंबर फोर, द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेटिंग वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सरेशन, कि शरीर का निरुपयोगी पदार्थ बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। पॉइंट नंबर फाइव, All living things have the ability to reproduce. सभी सजीवों में अपने समान दूसरा सजीव उत्पन्न करने की क्षमता दिखाई देती है, ठीक है। Point number six, living things move because of their ability to respond to stimuli. चेतना पर अनुक्रिया व्यक्त करने की क्षमता के कारण ही सजीवों में हलचल दिखती है। Point number seven, plants show spontaneous movements, but they cannot leave their place and go elsewhere as animals do. वनस्पतियां स्वयं प्रेरणा से हलचल तो करती है लेकिन वो बाकी के प्राणियों की तरह अपनी जगह छोड़कर दूसरे जगह पर नहीं जा सकती। पॉइंट नंबर एट, लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन एट द एंड ऑफ विच दे डाई, सजीवों का जीवन काल निश्चित होता है, इसके बाद ही उनकी मृत्यु होती है। पॉइंट नंबर नाइन, मेनी एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजफुल टू अस इन आर डेली लाइफ, सम एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन बी हार्मफुल टू अस, जिस तरह से अनेक प्राणी तथा वनस्पतियां हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी हैं उसी तरह से कुछ प्राणी और वनस्पतियां हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। टेन, The smallest unit of a living thing is the cell. कि सजीव का सबसे छोटा घटक कोशिका कहते हैं। Cell is the smallest unit of a living thing. So I hope कि आपको समझ में आ गया। आज के इस लेसन में हमने पढ़ा है the lesson, the living world. Okay? इसमें हमने all the characteristics of the living things के हमने पढ़े। And exam के दृष्टिकोण से as per the point of your exam, this is the most important chapter. तो ध्यान से पढ़िएगा, हर एक वर्ड का, हर एक सेंटेंस का मैंने मीनिंग दिया है। लेक्चर्स बड़े हैं, आई नो कि लेक्चर्स लेंदी है, लेकिन कैसा होता है कि आप अगर एक ही बार में ध्यान से पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा। अगर आप बीच में रुक जाते हो, बाद में फिर आ जाते हो, तो पहले पढ़ा हुआ ध्यान में नहीं रहता। एक साथ आप जैसे पढ़ते हो उसी तरह से एक बार साइकिल आपकी कवरअप हो जाती है। एक ही बार में जब आप सब कुछ पढ़ लेते हो ध्यान से, ये लेक्चर आप कितनी भी बार रिवाइंड करके देख सकते हो। उसके लिए आपको कुछ पैसे देने की जरूरत नहीं, फ्री एजुकेशन चैनल है। हमारा काम है एज अ टीचर, इट इज माई ड्यूटी टू प्रोवाइड द यूजफुल लेक्चर्स टू ऑल द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अगर आप अपने बच्चों को खुद पढ़ा रहे हो, दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत ही अच्छा है, आपका भी थोड़ा बहुत या इसमें इंटरेस्टिंग बहुत कुछ है सीखने के लिए, तो आप भी उनको पढ़ाते समय आपको भी अच्छा लगेगा। इसी तरह से मैंने ये लेक्चर्स बनाए हैं। आई होप कि आप सबको ये समझ में आएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू आवर इंग्लिश मास्टर चैनल। कीप सपोर्टिंग, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड डू फॉलो ऑल द रूल्स एंड गाइडलाइंस इशूड बाय द गवर्नमेंट। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय।